जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अब जो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की डिस्कशन करने लगे हैं वो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स है। हमने एडिशन करवानी है किसकी, अल्कोहल्स की, इन एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास अगर देख लेते हैं कि अल्कोहल की एडिशन किस तरह होती है एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, तो हमने उसके रिएक्शंस देखने हैं और फिर बाद में इधर कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी देखेंगे हम। अच्छा भाई चलिए अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि कार्बोनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, और जैसे कि एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड की एक साइड पे कार्बोनल ग्रुप की कार्बन होती है और एक साइड पे हाइड्रोजन। अब अल्कोहल्स की बात करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल जो ली गई है वो इथेनॉल, इथेनॉल जो है उसके दो मॉलिक्यूल हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में ही लिखें CH2H5 एंड OH C2H5 एंड OH। अब बेटा देखिए भाई यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर वो लॉन पेयर्स हैं, ठीक है ना। लॉन पेयर्स होने की वजह से मतलब क्या है भाई, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। अब इसकी ऐसे चार्ज को देख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर इधर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे अट्रैक्शन किस तरह शो की जाती है ये देखिएगा कि ऑक्सीजन है ये वाला, ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्शन शो करेगा ये वाला ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ओनली ऑक्सीजन दिस पार्ट, ये जाके इधर से ये वाला अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन बेसिकली कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। तो अब रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है जी, कार्बन CH3H और एक साइड पे क्या लग जाएगा O C2H5, ठीक है ये वाला। अब बेटा अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड हो गया ना, अब सेम यही वाला कंपाउंड भी इस कार्बन को साथ जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे ये कोर ग्रुप लग जाएगा OC2H5। और अब देखो भाई यहाँ पे एक और चीज़ एलिमिनेट होने लगी है, ये वाले हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये वाले और इस ऑक्सीजन को जब मिलेंगी इससे, ये क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे और कार्बन के साथ जाके क्या लग जाएंगे, ये दो ग्रुप लगेंगे और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा। अब देखो बेटा इसको जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसको एसिटल्स कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या बने हैं, ये एसिटल्स, ठीक हो गया। ये जब हमने बात की है कब, कि जब एल्डिहाइड का जब रिएक्शन हो रहा है इथानोल के दो मॉलिक्यूल के साथ, मतलब अल्कोहल्स हैं अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास एसिटल्स बनेगा। अगर एक रिएक्शन, एक जो अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, ये देखिएगा कार्बन, सॉरी कार्बन कार्बनल ग्रुप है, अगेन हमारे पास एल्डिहाइड का एक ग्रुप आ जाता है एसिटल्डिहाइड, और जब उसका रिएक्शन होता है C2H5NOH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे और से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होने लगा है, अगेन ऑक्सीजन के साथ क्या है भाई, दो लॉन पेयर। अब इसकी जो अट्रैक्शन होगी अगेन इस कार्बन के साथ, ठीक है, जबकि ये पार्शियल नेगेटिव और कार्बन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब देखो भाई रिएक्शन किस तरह होता है ये हमने देखना है, रिएक्शन हो रहा जी, प्रोसीड हो गया कार्बन उसके दोनों साइड पे, जो एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे हाइड्रोजन एज इट इज आ जाएंगे और एक साइड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, आगे मूव कर गया, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के एक साइड पे लग जाएगा ओ और साथ में आगे सारा ये वाला ग्रुप O C2H5। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा देखो, ये जो है ना ऑक्सीजन यहाँ पे अनस्टेबल है, ये इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा और यहाँ पे एक जो कंपाउंड बनेगा फर्दर वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है, कार्बन CH3H और साथ में यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो OH में कन्वर्ट हो जाता है और O C2H5। अच्छा बेटा ये हमारे पास बन गया है कंपाउंड, यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का रिएक्ट किया था तो हमारे पास ये कंपाउंड बना था। अब इस कंपाउंड का नाम होता है हेमी एसिटल्स, हेमी एसिटल्स। अब देखो ये हेमी एसिटल है, ये हाफ है, मतलब हाफ है ना, जब एक अल्कोहल का अगर दोनों साइड पे O C2H5 हो गए तो तब एसिटल्स होगा, लेकिन जब यहाँ पे एक साइड पे है तो हम इसको कहते हैं ये हेमी एसिटल्स है। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात ये है हमारे पास कि जो एल्डिहाइड है ना, बेसिकली
एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ये रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, अल्कोहल की जो एडिशन है वो हो रही होती है आसानी से, ठीक है, अल्कोहल की एडिशन आसानी से होती है। बेसिकली याद रखिएगा, हम रिएक्शन को शो करते हैं इस साइड से कि फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, बेसिकली इस तरह नहीं होता। जो रिएक्शंस होते हैं, जब रिएक्शंस के जो अटैकिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो बैक साइड से अटैक करते हैं। अब यहाँ से फ़र्ज़ करें ये जो ग्रुप है ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड में क्यों आसान होता है, एल्डिहाइड के एक साइड पे होता है हाइड्रोजन, वो रिमूव करना आसान होता है, ठीक है, वो उसकी रिमूवल या उसकी जो हिंड्रेंस होती है वो कम होती है। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन का फार्मूला बेसिकली क्या है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और एक साइड पे मतलब दोनों साइड पे क्या है जी, CH3, ऐसा उसका फॉर्मूला होता है। जब यहाँ से आते हैं जो भाई ग्रुप्स, तो यहाँ पे इनकी ग्रुप्स की ना हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है कीटोन्स का। और कीटोन के लिए जब जाहिर सी बात है एडिशन करवाई जाती है अल्कोहल की, तो फिर वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कैटलिस्ट वगैरह। और यहाँ पे जो हमारे पास एल्डिहाइड में कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है वो HCl है, ठीक है, वो HCl का एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, एसिड जो है हमारे पास। अब ये जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी कीटोन बेसिकली एडिशन ऑफ अल्कोहल्स आसानी से नहीं देता, ठीक है, एल्डिहाइड आसानी से ये रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। अब आपने ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब एक और चीज़ है कि अगर हम यही ये जो एसिटल्स हैं इनको वापस जो है अपनी पोजिशन में कार्बोनल ग्रुप में किस तरह लेके आ सकते हैं, ये हमने देखना है। जब इनको हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है अब क्या होगा, अब फर्दर हम देख लेते हैं रिएक्शन को, ये क्या होने लगा है, तो मैं रेस करती हूँ। अच्छा भाई, मेरे पास जो जो कंपाउंड बना था वो क्या था, कार्बन, कार्बन के एक साइड पे CH3 एंड और साथ में उसके दोनों साइड पे OC2H5, ठीक है, OC2H5। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा जी, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ HOH, आपको पता है ना वाटर में HOH होता है, वाटर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या होने लगा है कि ये जो ये वाला है दिस वन, ये कंपाउंड हमारे पास ये इसके साथ जाके मिल जाता है, तो हमारे पास क्या बना लेता है, ये देखिए भाई क्या बनाता है, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, एक एक हमारे पास मॉलिक्यूल अल्कोहल का बन गया वापस। अब ये जो है इतना पोर्शन C2H5 किससे मिलेगा, OH के साथ, C2H5 किससे मिलेगा, OH के साथ। तो ये देखो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल वापस आ गए हमारे पास। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ से बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन की ब्रेकेज हो रही है, तो ये वापस अपने डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन का क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ वापस डबल बॉन्ड में और साथ में CH3 और साथ में एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास वापस कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। कार्बोनाइल ये हमारे पास कंपाउंड है, ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो जहाँ से रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था, वेरी फर्स्ट रिएक्शन, जब कार्बोनाइल ग्रुप में दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल अटैक किए थे, मतलब मिले थे उसके साथ, तो हमारे पास वापस दो मॉलिक्यूल गेन कर लिए और कार्बोनाइल ग्रुप, ये कब हुआ, जब फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करवाया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एडिशन ऑफ अल्कोहल है। तो हमारे आगे नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन के हैं और उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम चैप्टर के। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको कामयाब करे, बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छी नीयत के साथ। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे भाई, ठीक है भाई। तब तक के लिए हम अपने रिडक्शन है जाहिर सी बात है, और साथ में क्या रह गया हमारे, ऑक्सीडेशन है भाई जी, और फिर आइडेंटिफिकेशन, ठीक हो गया, सही है भाई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं, ओके, टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।